नहमाया की पुस्तक अध्याय 6 नहमाया की पुस्तक अध्याय 6 जब संबलत तोबियाह और अरबी गेशेम और हमारे और शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल न लगा चुका था तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गया था तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा कि आ हम ओनो के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूं वहां नहीं जा सकता मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से यह काम क्यों बंद रहे फिर उन्होंने चार बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया तब पांचवी बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा जिसमें यो लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति करें तब मैंने उसके पास कहला भेजा कि जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़ेंगे और काम बंद हो जाएगा परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे और मैं शमायाह के घर में गया और दलायाह का पुत्र और महतबेल का पोता था वह तो बंद घर में था उसने कहा आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आकर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे परंतु मैंने कहा क्या मुझ ऐसा मनुष्य भागे और मुझ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे मैं नहीं जाने का फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है परंतु उसने वह बात परमेश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही है और तोबियाह और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको अपवाद लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके हे मेरे परमेश्वर तोबियाह संबलत और नोअद्याह नबिया और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे उन सबके ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख एलुल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी क्योंकि वह आरह के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र यहोहानान के बेरेक्याहर के पुत्र मशुल्लाम की बेटी को ब्याह लिया था इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे और वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे और तोबियाह मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजता था